चलिए गोवा की रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते वहीं। मंच पर विराजमान गोवा की राज्यपाल महोदया श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, गोवा के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मनोहर पारिकर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अशोक गजपति जी, इसी धरती के संतान मेरे साथी श्रीपाद नायक जी, श्री जयंत सिन्हा जी, गोवा के उपमुख्यमंत्री श्रीमान फ्रांसिस डिसूजा जी, गोवा सरकार में मंत्री श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, हमारे सांसद श्रीमान नरेंद्र सावाईकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे मैं देर रात जापान से आया और सुबह आपकी सेवा में हाजिर हो गया। यहां से कर्नाटक जाऊंगा, कर्नाटक से महाराष्ट्र जाऊंगा और देर रात दिल्ली में जाके भी मीटिंग करूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के किसी राज्य में एक रात्रि से ज्यादा अगर मैंने कहीं मुकाम किया तो गोवा में किया। मैं आज व्यक्तिगत रूप से गोवा के लाखों नागरिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, गोवा सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। मनोहर जी, लक्ष्मीकांत जी, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कई वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ब्रिक्स समिट गोवा में आयोजित हुआ और इतने शानदार ढंग से इसकी योजना हुई कि आज पूरे विश्व में जितने भी बड़े नेता आप मानते हैं उनकी जुबान पर गोवा 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 हो रहा है। और इसलिए मैं सभी गोवा वासियों की, गोवा सरकार की, मुख्यमंत्री जी, मनोहर जी, उनके सभी साथियों की जी भर के सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इससे सिर्फ गोवा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, पूरे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है और आपके कारण बढ़ा है। तो आप स्वाभाविक अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है, आपने देखा होगा कि गोवा में राजनीतिक अस्थिरता की बीमारी इस प्रकार से गोवा को बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्या क्या होता था, आपको मालूम है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। इस राजनीतिक अस्थिरता ने
गोवा का जो सामर्थ्य है, गोवा के लोगों की जो शक्ति है, उसको कभी फलने फूलने का अवसर ही नहीं दिया। मैं विशेष रूप से मनोहर जी को अभिनंदन करता हूं, कि उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को गोवा में लाया है, इसके कारण उनको सहन भी करना पड़ा है, उनको अच्छे अच्छे मित्र गंवाने भी पड़े हैं, लेकिन एकमात्र इरादा गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, और इसलिए गोवा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 5 साल तक एक सरकार चले, नीतियों के आधार पर चले, गोवा के विकास के लिए चले, लोक कल्याण के हित के लिए चले, ये उन्होंने करके दिखाया है। और 2012 से 2017 की स्थिरता का लाभ भरपूर मात्रा में गोवा को प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं यहां दोनों पार्टियां जो मिलकर के सरकार चला रही है, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है, इसके लिए, क्योंकि स्थिर सरकार चुनना ये जनता के हाथ में होता है, और गोवा की जनता ने स्थिर सरकार की ताकत को समझा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, उनका वंदन करता हूं। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है इस बात की, मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन सबको मालूम है मैं किस पार्टी से हूं, लक्ष्मीकांत जी मुख्यमंत्री हैं सबको मालूम है किस पार्टी से हैं, मनोहर जी मेरे साथी हैं सबको मालूम है किस पार्टी से हैं, हम एक दूसरे की तारीफ करें तो लोगों को लगेगा ठीक है भाई आप तो बोलेंगे ही ना, लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक सप्ताह के पहले एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने हिंदुस्तान के छोटे राज्यों के हालत का जायजा लिया, अलग अलग पैरामीटर पर सर्वे किया, और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे इन साथियों ने छोटे राज्यों में गोवा को एक चमकते सितारे की तरह पेश कर दिया है। देश के सभी छोटे राज्यों में, देश के सभी छोटे राज्यों में तेज गति से, चाहे सोशल सिक्योरिटी का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, गोवा को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और गोवा नंबर एक बना है। मैं बहुत बहुत, और इसमें गोवा वासियों का योगदान है ही है, उसके बिना यह संभव नहीं होता, और इसलिए मैं आज इस अवसर पर जितना अभिनंदन करूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मनोहर जी यहां मुख्यमंत्री थे, तो मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको, मनोहर जी जो वाक्य
जो बात 10 वाक्य में बोलनी हो वो एक वाक्य में बता देते हैं। तो कभी कभी समझने में भी कठिनाई होती है। वो मानते हैं कि आपने समझ लिया, वो आईआईटी इंडियन है, मैं बड़ा सामान्य इंसान हूं। लेकिन मैं जब गुजरात में था तो उनकी जब मैं योजनाओं का अध्ययन करता था मुख्यमंत्री के नाते, और मैं देख रहा था कि यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति की मुसीबतों को वो कैसे समझते हैं और उसके रास्ते कैसे खोजते हैं। हर योजनाएं, बाद में लक्ष्मीकांत जी ने भी इसको आगे बढ़ाया, जब मैं देखता था गृह आधार योजना, वार्षिक 3 लाख से कम आय वाले जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये की मदद, देश में कई राज्यों को पता तक नहीं होगा कि गोवा में ऐसी योजना शुरू की गई थी। दयानंद सरस्वती सुरक्षा योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए, करीब 1.5 लाख सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिलता है, प्रति मास 2000 रुपये। ये सारी चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है भाइयों, ये गोवा में है। भाइयों बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना गोवा और मध्य प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया, और 18 साल की बच्चियों को 1 लाख रुपया। आज गोवा में 45,000 हमारी बेटियां इसकी हकदार बनी हैं, 45,000 बेटियां। गोवा ने एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए मनोहर जी और लक्ष्मीकांत जी की दूरदृष्टि देखिए, आज यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन इसके पहले इस काम को सफल करने के लिए हमें कैसा युवा धन चाहिए, कैसी यंग जनरेशन चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों महाशयों ने साइबर स्टूडेंट योजना के द्वारा हमारे यहां के नौजवानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा अभियान चलाया। ये दीर्घ दृष्टि के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम जानते हैं बीमार होना कितना महंगा होता है और गरीब के लिए बीमार होना कितना मुश्किल होता है। ये हमारे गोवा सरकार की विशेषता रही कि उन्होंने दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा के द्वारा वार्षिक 3 लाख रुपये तक करीब करीब 2.25 लाख परिवार, यानी एक प्रकार से पूरी गोवा के सभी परिवार आ गए, इनको सुरक्षा का कवच दिया है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की है। किसान हो, फिशरमैन हो, यानी एक प्रकार से योजनाओं का अंबार है और ये जन सामान्य की भलाई के लिए है। ऐसे गोवा में आकर के जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को भी अपना सर झुकाने में आनंद आता है, गर्व होता है। आज यहां 3 प्रोजेक्ट का आरंभ हो रहा है, मोपा न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। शायद गोवा में जिन लोगों की उम्र आज 50 साल हो गई होगी, वो भी जब से समझना शुरू किया है तब से ये सुनते आए हैं कि एक दिन गोवा में
अपना एयरपोर्ट बनेगा, हवाई जहाज आएंगे, लोग उतरेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है बताइए। सब सरकारों ने बोला है कि नहीं बोला है? सब पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला है कि नहीं बोला है? लेकिन चुनाव गया, हवाई जहाज के ठिकाने पर, गोवा गोवा के ठिकाने पर। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है भाइयों, बताओ मुझे। आज आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। और ये सिर्फ आकाश में जहाज उड़ेंगे और आपके एक नए एयरपोर्ट पर आएंगे ऐसा नहीं है। गोवा की जनसंख्या है 15 लाख। ये व्यवस्था विकसित होने से 3 गुना लोग, आप 15 लाख लोग हैं, करीब करीब 50 लाख लोग आना शुरू कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और गोवा का टूरिज्म बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्थ्यवान जगह है। इस बात को भली भांति हम समझते हैं। गोवा की सुविधा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, गोवा वासियों की सुविधा बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि इसके निर्माण कार्य में भी यहां के हजारों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। और निर्माण होने के बाद यहां की इकोनॉमी को, यहां के टूरिज्म को एक बहुत बड़ा अवसर इस गोवा को मिलने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, आज यहां एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी का भी शिलान्यास हुआ है। कोई ये मत समझे कि ये सिर्फ कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है। बहुत कम लोगों को समझ पाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी के निर्माण का मतलब क्या है। एक प्रकार से, और मेरे शब्द लिख करके रखना भाइयों बहनों, 21वीं सदी का मैं वो गोवा देख रहा हूं जहां डिजिटली ट्रेन, यूथ ड्रिवन, मोस्ट मॉडर्न गोवा का आज शिलान्यास हो रहा है। दोस्तों, ऐसे गोवा का शिलान्यास हो रहा है जो डिजिटली ट्रेन यूथ ड्रिवन गोवा होगा, आधुनिक गोवा होगा, टेक्नोलॉजी से सामर्थ्यवान गोवा होगा। और बस सिर्फ गोवा की इकोनॉमी की या गोवा के नौजवानों के रोजगार का नहीं, ये भारत की शक्ल सूरत बदलने का, गोवा एक पावर स्टेशन बन जाएगा। दोस्तों, ये मैं देख रहा हूं पूरी 21वीं सदी पर इस इनिशिएटिव का प्रभाव होने वाला है। भाइयों बहनों, आज एक तीसरा महत्वपूर्ण काम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत रहा है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। यह देश आजादी के 70 साल हो गए, हम किसी की मेहरबानी के मोहताज रहना नहीं चाहते। हम जिएंगे तो भी अपने बलबूते पर, और मरेंगे तो भी अपनों के लिए मरेंगे, अपनी शान के लिए मरेंगे। क्या कारण है कि जिस देश के पास 800 युवा हो, 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो,
तेजस्वी हो, तेज तर्रार हो, बुद्धि प्रतिभा हो, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन सुरक्षा के लिए हर चीज बाहर से लानी पड़े। आज गोवा की धरती पर सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज गोवा का एक विशेष आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसकी टोली में नवरत्न थे और उन नवरत्नों से, विशेषताओं से चर्चा अकबर के कार्यकाल की होती थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे टीम में अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं, और उस रत्नों में एक चमकता हुआ रत्न मुझे गोवा वालों ने दिया है। उस रत्न का नाम है मनोहर पर्रिकर। कई वर्षों के बाद देश को एक ऐसा रक्षा मंत्री मिला है जिसने 40 साल पुराने हमारे फौज की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। अगर मनोहर पर्रिकर जी क्या इतना पुरुषार्थ न होता, 40 साल से लटक रहा वन रैंक वन पेंशन का मेरे देश के लिए मर मिटने वाले जवानों का काम अधूरा रहा होता, मैं मनोहर जी को बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मनोहर जी दिए। ऐसा सामर्थ्यवान देश का कोई रक्षा मंत्री पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं आया जिस पर कहीं ना कहीं उंगली न उड़ी हो। आज हम तेज गति से निर्णय कर रहे हैं, विश्व के साथ समझौते कर रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक फैसले कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए रक्षा मंत्रालय पर कहीं से किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है। मैं मनोहर जी का तो अभिनंदन करूंगा मेरे साथी के नाते, मुझे उत्तम साथी मिला है, लेकिन मैं गोवा वासियों का अभिनंदन करूंगा कि आपने मनोहर जी पैदा किए और देश के लिए आपने मनोहर जी दिए। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये जो माइन काउंटर मेजर वेसल प्रोग्राम है MCMV, ये भारत की सामुद्रिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला काम है। इससे लोगों को रोजगार तो मिलना ही मिलने वाला है, इस क्षेत्र के विकास के लिए भी काम होने वाला है। मेरे प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, मैं कुछ और बातें भी आज गोवा वासियों के साथ करना चाहता हूं। रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग
सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 8 तारीख रात को 8 बजे देश के सामने काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, देश जो लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान का ईमानदार इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है, उस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, वे अपनी नाप पट्टी लेकर के ही किसी को नापते रहते हैं और उसमें फिट नहीं होता है तो देखते हैं यार कुछ गड़बड़ है। अगर इस देश के अर्थशास्त्रियों ने इस देश के पल्सिस को समझ करके एनालिसिस करने वालों ने, ये पुरानी सरकारें, पुराने नेता, उनको नाप के तोलने के जो तराजू हैं, मेरे आने के बाद अगर बदल दिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। उनको समझ आना चाहिए था कि ऐसी सरकार देश ने चुनी है जिसके पास से देश की अपेक्षा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 2014 में आपने वोट दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए, आपने एक काम करने के लिए मुझे कहा था कि नहीं कहा था? काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपने जब मुझे ये करने के लिए कहा था तो आपको भी पता था ना भाई ये काम करूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी? पता था कि नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुंह में पता सा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना? सबको मालूम था। ये सरकार बनने के तुरंत बाद हमने एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT। दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। ये काम पहले वाली सरकारें टालती रही थी, हमने किया था। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं जी? मैंने छुपाया था क्या? कुछ नहीं छुपाया मैंने। हर बार मैंने ये बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्यौरा दे रहा हूं, देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है, खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। भाइयों बहनों, दूसरा जरूरी काम था, दुनिया के देशों के साथ पिछले 50-60 साल में ऐसे एग्रीमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंध गए थे
कि हम कोई जानकारियां ही नहीं पा पा रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव करें, कुछ देशों के साथ नया एग्रीमेंट करें। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता चलना चाहिए। यह काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना। मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी सात पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, बीबी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए, न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सब कैश चलता था कि नहीं चलता था, ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। इसका भी विरोध हुआ था, आप हैरान होंगे, आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर, आधे से ज्यादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी ये नियम मत लगाओ, और कुछ लोगों ने तो चिट्ठी लिखित में मुझे चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है, जिस दिन मैं उसको पब्लिक में करूंगा शायद पता नहीं वो अपने इलाके में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जेवरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। भाइयों बहनों, हमने एक और काम किया, पहले की सरकारों ने भी किया था, ये जो ज्वेलर्स है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहां सोना वगैरह की बात कर रहा है, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी,
पहले सरकार ने लगाने की कोशिश की, बहुत कम लगाई थी, लेकिन सारे ज्वेलरों की संख्या बहुत कम है, एक गांव में एकाध दो ही होते हैं, बड़े शहर में 50-100 होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ी गजब है साहब। अच्छे अच्छे एमपी उनके जेब में होते हैं, और ज्वेलरी पर जब एक्साइज लगाई तो मेरे पर इतना दबाव आया, एमपीओं का दबाव, डेलीगेशन, हमारे परिचित साहब, ये तो सब इनकम टैक्स वाले लूट लेंगे, ये तबाह कर देंगे, ऐसे ऐसे बताते थे। मैं भी डर गया कि यार मैं ये करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो भाई, दो कमेटी बनाते हैं, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से जिन उनको भरोसा था, ऐसे एक्सपर्ट कमेटी बनाई। पहले वाली सरकारों को ये प्रयास वापस लेना पड़ा था। साहब मैं ईमानदारी से देश चलाना चाहता हूं, मैंने वापस नहीं लिया, मैंने ज्वेलरों को विश्वास दिलाया कोई आपसे ज्यादती नहीं करेगा, और अगर कोई इनकम टैक्स वाला ज्यादती करता है आपने मोबाइल फोन से उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। ये कदम हमने उठाया था। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था क्या मोदी क्या करेगा आगे, लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमने दूसरी तरफ ये भी जोर लगाया, अच्छा कुछ लोग होते हैं मजबूरन कुछ गलत करना पड़ा हो, सब लोग बेईमान नहीं होते जी, सब लोग चोर भी नहीं होते हैं, कि मजबूरन कुछ करना पड़ा होता है, वे अगर उनको मौका मिले तो सही रास्ते पर आने को तैयार होते हैं, और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमने लोगों के सामने स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए, उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी। लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं, उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जानकर के खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई, पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए था, और दो साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1,25,00,000 करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है। भाइयों 1,25,00,000 करोड़ का हिसाब आया है, ये दो साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं। मेरे भाई बहन, उसके बाद
हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी, पार्लियामेंट में भाषण कैसे हुए थे आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या था कहां जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता नहीं। उसके बाद हमने प्रारंभ में आकर के एक काम लिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब से गरीब का बैंक अकाउंट खोलना। उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला कह रहा है। अब लोगों को समझ आएगा कि इस बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले और हिंदुस्तान में अमीर लोगों के जेब में बटवे में भांति भांति बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था ऐसा भी कोई कार्ड होता है, कार्ड से मिल जाता है कुछ, पता नहीं था उसको। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बैंक के खाते खोले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है और यह आज से एक साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसमें उपलब्ध है भाई। लेकिन लोगों को लगा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे ही पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा था। मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। अब भाइयों बहनों, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। मैंने तुमको कहा था कि जीरो अमाउंट से आप खाता खोल सकते हैं, एक बार आपका बैंक में पैर आना चाहिए बस। ये आर्थिक व्यवस्था में कहीं आप भी होने चाहिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों, ये आज जो अमीर लोग रात को सो नहीं पाते हैं ना, गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों। मैंने तो कहा था कि जीरो रकम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने बैंकों में जनधन अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपया जमा करवाया दोस्तों, 45,000 करोड़। यह देश के सामान्य मानवी की ताकत को हम पहचाने। 20 करोड़ परिवारों को रुपए कार्ड दिया, फिर भी कुछ लोग मानते ही नहीं थे। उनको लगता था अरे यार कोई राजनीतिक गोटी बिठा देंगे तो हो जाएगा मामला। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता हूं, दस महीने से काम पे लगा रहा। एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्तों। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग
पैसों के लिए कतार खड़ा के लगे हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले एक हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया में देखा रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर हो गए हैं लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार। मैं उन रिटायर्ड बैंक के कर्मचारियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए, अपनी पुरानी ब्रांच में जाकर के मदद करने के लिए गुहार लगाई है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उन नौजवानों का अभिनंदन करता हूं जो कतार के बाहर धूप में खड़े रह करके अपने खर्चे से लोगों को पानी पिला रहे हैं, सीनियर सिटीजन के बिठाने के लिए कुर्सियां लेकर के दौड़ रहे हैं। चारों तरफ देश की युवा पीढ़ी खास करके इस समय इस काम को सफल करने के लिए काम में लगी है। इस काम की सफलता का कारण 8 तारीख के 8 बजे मोदी का निर्णय नहीं है, इस काम की सफलता का कारण 125 करोड़ देशवासी, जिसमें कुछ लाख छोड़ दो ये जी जान से लगे हैं, इसलिए योजना सफल होना सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, मैं दूसरी बात बताना चाह, मुझे बताइए हमारे देश में मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट, सभी पॉलिटिकल पार्टियां मतदाता सूची बनाने में काम करती हैं नहीं करती हैं? सरकार की सभी लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे टीचर्स करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बावजूद भी जिस दिन पोलिंग होता है शिकायत आती है कि नहीं आती है, मेरा नाम निकल गया, हमारी सोसाइटी का नाम निकल गया, मुझे वोट नहीं देने देते, मुसीबत आती है कि नहीं आती है? इतना सारा ओपन होने के बाद भी तकलीफ आती है कि नहीं आती है? भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव होता है, चुनाव में तो क्या करना होता है, जाना, बटन दबाना, वापिस आना, इतना ही करना है ना। तो भी इस देश में करीब करीब 3 महीने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है, 90 दिन तक, और उसमें सारा पुलिस तंत्र, सीआरपीएफ, एसआरपी, बीएसएफ, गवर्नमेंट का हर मुलाजिम, पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, सब लोग 90 दिन तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन्न होता है। 90 दिन लग जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन, 65%, 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे किसी को तकलीफ होती है, पीड़ा मुझे भी होती है, ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने बुराइयों को निकट से देखा है, देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, है ना, छोटा मोटा मच्छर भी नहीं। मुझे विश्वास है, मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की है, और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों का डूब रहा है, मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। वो गरीब विधवा मां मोदी को आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। उन गरीब विधवा माओं के आशीर्वाद देश की सफलता के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। सौ करोड़ देशवासियों का प्यार न होता, विश्वास न होता, सरकारें तो आती और चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है। इस उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट झेलना कुछ, मैं कभी कभी हैरान हूं। अभी कल मुझे एक पत्रकार बंधु से बात, मैंने आप तो मुझे दिन रात कहते हो मोदी जी बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए,
मैंने कहा फिर तकलीफ होगी तो क्या करोगे, बिजलियां बंद हो जाएगी, चीजें आना बंद हो जाएगी, रेलवे कैंसिल हो जाएगी, रेलवे में फौज के लोग जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, तब क्या करोगे। अच्छा, बोले ऐसा होता है। कहना बड़ा सरल होता है भाई, उपदेश देना बड़ा सरल होता है, जब निर्णय करते हैं तब उसके साथ चलना, सामान्य मानवी की कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं देशवासियों को एक और कहना चाहता हूं, इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है, क्या तुझ कुछ दान में काला है, ये हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है, फिर वो कहता है यार ये मोदी जी है, सारे सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन अफवाह फैलाई थी, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नकम नमक लेने जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है, 70 साल से जमा किया हुआ, महंगे से महंगे ताले लगाए थे, कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला नहीं है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 की नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपया में से एक नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 and 100 पैसा पक्का। ऐसा किसी कारोबार में आप लिप्त मत होइए। कुछ बेईमान लोग अपने लोगों को कह देते तो जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, 2000 का करवा लो यार, मेरा थोड़ा बहुत बच जाएगा। और दूसरा, भाइयों बहनों, मेरा सबसे आग्रह है, हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा मामा भाई पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले, देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1,00,000 नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश को, देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है, मैं आज खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं,
मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए, ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। सारस मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद पहली बार देश में बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था काले धन को देश में वापस लाने का, काले धन के कुबेरों पर नकेल कसने का, और वो वादा प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं। ये महज एक शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा, सलाम किया उन लोगों को जो थोड़ी तकलीफ जरूर झेल रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ हैं। उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद दिया जो बैंक के कर्मचारी हैं और एक हफ्ते से लगातार काम कर रहे हैं ताकि आम जनता को मुसीबत ना झेलनी पड़े। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में कही है, एक छोटे से कार्यक्रम में वहां पर मौजूद थे और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, कई और लोग जो बेईमानी कर रहे हैं उन पर नकेल कसने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा, वो ये समझ लें कि अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। साथ ही जो लोगों के पास बेईमानी संपत्ति है उन पर भी नकेल कसी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने देश की जनता को धोखा नहीं दिया है, 10 महीने से वो इस पर काम कर रहे थे।